हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पूर्वक सुनना, ताकि आपको पूरी टॉपिक जो है समझ में आ जाए ठीक तरीके से, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, आपको बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं करना होता है उसमें, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको जो है असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जो अगर आप नोट्स हमारे पास से लेते हैं तो नोट्स के ऊपर जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा आपको पेमेंट नहीं करना होगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप सपोर्ट एंड किसी भी तरह का इग्नू अपडेट रिलेटेड कुछ भी चीज होगी, आपको जो है डायरेक्टली बताया जाएगा, है ना। इन केस ऑफ एनी डाउट जो है, हम एक व्हाट्सएप सेशन भी रख सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट और क्वेश्चन, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इफ यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान। तो उसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको हमारे कॉमर्स की पाठशाला चैनल पे जाना है, ज्वाइन का बटन दबाना है और यहाँ से आपको ज्वाइन कर लेना है। एम कॉम के ऊपर क्लिक करना है और ज्वाइन वाले बटन पे दबा करके आपको हमें ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, राइट। और उसके बाद जो है बेनिफिट्स आपको सारी की सारी मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप जब भी ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद आप देखना, वहां पे आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, जिस व्हाट्सएप के लिंक के ऊपर आपको क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि एक्सक्लूसिव ग्रुप है हमारे एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए। और वहां पे आपको सारी की सारी बेनिफिट जो है मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। याद रखना, ये जो लिंक है ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है, तो सभी को मैं मना करूंगा कि आप जब तक मेंबरशिप ना लो तब तक हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन मत करो, ठीक है ना। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है इग्नू एमकॉम के नाम से, जहां पे आपको आईबीओ 1 से लेकर आईबीओ 6 और एमसीओ 1 से लेकर एमसीओ 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां पे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं यूनिट 11 एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। एंड सो द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम्स मे ऑफर मेनी एडवांटेजेस, इट वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। द फॉलोइंग एडवांटेजेस मे बी डिराइव्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन द लाइट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ जो बात बोली गई वो ये है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो मे भी डिफर कर सकता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। एक बिजनेस को कुछ और एडवांटेज हो रहा है, दूसरे बिजनेस को कुछ और एडवांटेज हो रहा है, तो ये एक तरीके से डिफर कर सकता है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो इसके कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको यहाँ पे एक तरीके से बताया गया है, उसी को मैं एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है टू मेजर एफिशिएंसी। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के माध्यम से आप एफिशिएंसी चेक कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी बिजनेस की, है ना। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोवाइडेड अ यार्डस्टिक अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कोई एक खर्चा, एक स्टैंडर्ड प्राइस सेट कर दिया गया है कि इतना रुपए जो है आपको इस काम के लिए मिलेगा, है ना, सेट कर दिया गया, स्टैंडर्ड हो गया। एक्चुअल कॉस्ट, सपोज आपने 100 रुपए सेट करा था आपका काम करने में, लेकिन आपको 110 रुपए लग गए, तो 110 रुपए आपका एक्चुअल कॉस्ट हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड 100 रुपए है। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, 100 रुपए के काम के लिए सपोज आपने एस्टिमेट किया था कि आपको 150 रुपए लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको 110 रुपए लगे, है ना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट एक तरीके से यार्डस्टिक के रूप में काम करता है, जब भी आप एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करने की बात करते हो, ठीक है ना। The comparison of actual cost with the standard cost enables the management to evaluate the performance of the various cost center. अब जब आप actual cost को standard cost के साथ compare करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जो cost centers हैं, जहाँ पे आपको cost incur हो रहे हैं, उनका performance कैसा है, उनको वो चीज़ आप evaluate यहाँ पे कर पाओगे, है ना। तो एक तरीके से जो efficiency है वो आप measure कर सकते हो, साथ ही साथ आप performance को evaluate कर सकते हो with the help of the standard cost, जहाँ पे आप actual cost और standard cost को compare करके ये बात पता लगाओगे, है ना। In the absence of standard costing, efficiency is measured by comparing actual cost of different periods, which is very difficult to measure because the conditions prevailing in both the periods may differ, है ना? तो यहाँ पे वो बात बोली गई है कि standard costing में, अगर standard costing अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आप efficiency आप measure नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जब आप measure करोगे दो different different periods के बारे में, क्योंकि दोनों periods में जो conditions होती हैं वो भी different different होती हैं। तो उस केस में जब आप compare करने जाओगे तो आपको जो है exact result, जो अच्छा result है वो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप standard costing का इस्तेमाल करते हो तो आपको जो है एक तरीके से आप एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हो, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट दैट यू विल गेट इफ यू विल यूज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज ए कॉस्टिंग मेथड, ठीक है ना। दूसरी बात जो यहाँ पे बोली गई है, पहला हो गया, दूसरी बात जो यहाँ पे बोली गई है टू फिक्स प्राइसेस एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज।
तो किसी भी प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है ना, उस प्रोडक्ट को पता करने का कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका हेल्प कर सकता है। कैसे करेगा मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ किसी भी तरह की पॉलिसी अगर आपको लानी है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उस केस में भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका जो है हेल्प करता है। कैसे बताता हूँ। So, standard costing is helpful in determining prices and formulating production policies, है ना? तो standard costing एक तरीके से आपको help करता है prices को determine करने में कि किसी product का price कितना होना चाहिए, साथ ही साथ production policy आपकी कैसी होगी उसको formulate करने के लिए भी जो है एक तरीके से standard costing help करता है। The standards are set by studying all the existing condition, जो standard है, standard का मतलब क्या हो गया कि ये मेरा standard है, मैं इसके ना नीचे जाऊंगा ना ऊपर जाऊंगा। standard का मतलब ये होता है कि एक ideal condition जहां से आप ना ऊपर जाना चाहते हो, ऊपर आप जाना चाहते हो, नीचे नहीं आना चाहते, है ना? तो जो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है किसी के भी द्वारा, वो एक तरीके से जो पुरानी चीजें होती हैं, जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस होते हैं, उनको स्टडी करने के बाद सेट किया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये हमारा स्टैंडर्ड है ना, हमारा स्टैंडर्ड ये है, हमारा स्टैंडर्ड वो है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक लेवल जिसको आपने सोच के रखा है कि हम इसके ऊपर ही आएंगे, इसके नीचे तो हम आ ही नहीं सकते, है ना? तो ये एक तरीके से स्टडी करके जो है डिसाइड किया जाता है कि एग्जिस्टिंग कंडीशन को स्टडी करके डिसाइड किया जाता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या होगा, है ना? इट ऑल्सो हेल्प्स टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, है ना? इसका इस्तेमाल प्राइसेस पता करने में होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसीज इन एडवांस, सो ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द एरियाज ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, कोटिंग प्राइसिंग ऑफ टेंडर्स, है ना? तो ये एक तरीके से डेफिनेटली आपको हेल्प करता है प्रोडक्शन प्राइस को निकालने में। आपकी प्राइस पॉलिसीज क्या होनी चाहिए वो आप पहले से एडवांस में तैयार कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और ये एक तरीके से प्रॉफिट प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट प्राइसिंग, कोटिंग प्राइस ऑफ टेंडर्स, इन सब चीजों में भी जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू फर्निश कॉस्ट एस्टिमेट्स व्हाइल प्लानिंग प्रोडक्शन फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, है ना? तो जब भी आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले होंगे तो आपको एक एस्टिमेट बनाना होगा ना कि इतना आपका खर्चा होगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी एक तरीके से इसमें हेल्प कर सकता है कि वो आपको आपको जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो आपको बता सकता है कि इस प्रोडक्ट का आने वाले समय में जो प्लानिंग कॉस्ट होने वाला, जो प्लानिंग प्रोडक्शन होने वाला उस चीज का, उसका एस्टिमेट कॉस्ट जो है आपका कितना आएगा। सो इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। सो दिस इज द सेकंड एडवांटेज दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड एडवांटेज व्हिच इज फॉर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ऑल्सो यूज फॉर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज दैट इट हेल्प्स इज इन कॉस्ट कंट्रोल। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज यहाँ पे बोला जा रहा है वो ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कारण आप जो है कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, किसी भी चीज के कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरिएंसेस आर डिटरमाइंड। जब आप एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वेरिएंसेस कौन कौन से हैं, किस किन किन चीजों के कारण जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा हो रही हैं या फिर कम हो रही हैं, है ना? दीज वेरिएंसेस फैसिलिटेट मैनेजमेंट टू लोकेट इनएफिशिएंसीज एंड टू टेक रिमेडियल एक्शंस अगेंस्ट दोज एफिशिएंसीज एट द अर्लीस्ट। अब ये जो वेरिएंसेस हो रही है, ये जब आपको पता चल गया कि इन इन चीजों से वेरिएंसेस हो रहा है, तो मैनेजमेंट एक तरीके से आपको हेल्प करेगा उन इनएफिशिएंसीज को पता लगाने में जिसके कारण से ये सारी चीजें हो रही हैं, और सही टाइम पे जल्दी से जल्दी जो है आप रिमेडियल एक्शन इस चीज को इसके बारे में ले सको। इस बारे में मैनेजमेंट को हेल्प करता है कौन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो फॉर इफेक्टिव कंट्रोल इज आल्सो वन ऑफ द नोटिफिकेशन, आई मीन वन ऑफ द एडवांटेजेस। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस दैट ईच इंडिविजुअल इज फिक्स्ड टारगेट्स and everyone is expected to achieve these given targets, है ना? तो management by exception का मतलब हो गया कि हर एक individual का अपना fixed target होता है और सभी से ये expect किया जाता है कि आप अपने targets को achieve करो। Management need not supervise each and everything and not to bother if everything is going as per the targets, है ना? तो management को इस चीज में क्या होता है कि उनको हर बार supervise करने की जरूरत नहीं पड़ती है और सारी चीजें सब कुछ जो है पहले के targets के मुकाबले उसके according चल रही है, तो यहाँ पे management को बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है, है ना? So management interferes only when there is a deviation. तो इस केस में मैनेजमेंट कब इंटरफेयर करती है, जब किसी भी तरह का डेविएशन होता है। सो मैनेजमेंट को यहाँ पे एक्सेप्शन मिल जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कारण कि जो भी उनका काम है वो इजीली स्मूथली चल रहा होता है जब तक इसमें किसी भी तरह का डेविएशन ना आ जाए, है ना? सो वेरिएशन वेरिएंसेस बियॉन्ड अ प्रीडिटरमाइंड लिमिट मे बी कंसीडर्ड बाय मैनेजमेंट फॉर करेक्टिव
एक्शन। तो जब भी किसी भी तरह का वेरिएंस होगा जो कि प्री डिटरमाइंड लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, सपोज आपने सोचा था कि किसी सामान को बेचने में आप 100 रुपए का सामान है, आपको बेचने में 10 रुपए का खर्चा हो सकता है, तो आपने 120 रुपए उसका प्रॉफिट रखा। लेकिन जब आपको ये पता चला कि उस सामान को बेचने में 120 रुपए से भी ज्यादा खर्च हो गया, तो उस केस में जो आपका प्री डिटरमाइंड लिमिट था वो तो क्रॉस हो गया, उसके बियॉन्ड चला गया। तो उस केस में मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, और ये बात तभी पता चलेगी जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करोगे। उसके जरिए मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है कि उनको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, उनको तभी सोचना पड़ता है जब उस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे कि अभी क्रिएट हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, राइट? द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट फैसिलिटीज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, है ना? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक तरीके से एनेबल करता है मैनेजमेंट को कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमाइन कर सके और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसका इस्तेमाल कर सके अपने बिजनेस में। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये भी हो गया। पांचवा पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब जब आपको अपने स्टॉक को वैल्यू करना है तो उस केस में आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही इस्तेमाल करोगे, आप एक्चुअल कॉस्ट का इस्तेमाल वहां पे नहीं कर सकते। अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एनी डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड टू वेरियंस अकाउंट। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करने में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट के तहत आप कंपैरिजन करते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का, जहां पे जो भी डिफरेंस आपको निकल करके आता है उस डिफरेंस को ट्रांसफर कर देते हो वेरियंस अकाउंट में। देयरफॉर इट सिंप्लीफाइज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड रिड्यूसेस लॉट ऑफ क्लेरिकल वर्क टू द मिनिमम लेवल। अब इसके कारण से फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो वैल्यूएशन है स्टॉक का वो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, और साथ ही साथ जो क्लेरिकल वर्क होता है उसको भी कम करने में हेल्प करता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट? सिक्स नंबर पॉइंट, कॉस्ट कॉन्शियसनेस। द इम्फेसिस अंडर कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज मोर ऑन कॉस्ट वेरिएशंस व्हिच मेक्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट कॉन्शियस, है ना? तो यहाँ पे देखो कॉस्ट कॉन्शियस की बात की जा रही है कि आप हमेशा कॉस्ट के बारे में सोच रहे हो कि कॉस्ट भाई ऐसा क्यों है ना? अब इस बारे में सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपका जो इम्फेसिस है पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर रहता है, जिसपे यह बात ध्यान दी जाती है कि आपका जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े, है ना? आप कोशिश करते हो कि जो आपका प्राइस है उसको किसी तरीके से रिड्यूस रखा जा सके, तो आप बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस हो जाते हो। आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप जो है सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए बिजनेसेस को चलाओ, आप बहुत ज्यादा कॉस्ट कॉन्शियस हो जाते हो, प्राइसेस के ऊपर आपका ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट मेक्स द एम्प्लॉइज टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफिशियंट ऑपरेशन सो दैट एफर्ट्स विल बी टेकन टू रिड्यूस द कॉस्ट टू मिनिमम बाय कलेक्टिव एफर्ट्स। तो ये एक तरीके से इंप्लॉइज को बहुत ज्यादा एक तरीके से मोटिवेट करता है, उनको रिकॉग्नाइज करवाता है कि कॉस्ट का क्या महत्व है, आप किस तरीके से इफिशियंट ऑपरेशन अगर आप करोगे तो उसका क्या महत्व होगा, और किस तरीके से आपके इफिशियंट ऑपरेशन के कारण जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है आपके कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा। तो ये कॉस्ट कॉन्शियसनेस जो है लोगों के अंदर में ला दी जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट but the not the least point which is provides incentives. So standard costing ek tarike se incentives provide karta hai. Kaise? Under standard costing system, men, material and machines can be used effectively and economies can be affected in addition to enhanced productivity. Hai na? To yahan pe jo baat boli gayi wo ye hai ki standard costing ke antargat jo vyakti hota hai, jo material hota hai, jo machines hota hai, unka bahut hi effectively istemal ho sakta hai, jiske karan se aapke bahut sare paise bachaye ja sakte hain, aur yahan pe aap incentive provide kar sakte ho jiske zariye aapke targets ko aur bhi acche tarike se achieve kiya ja sake. Schemes may be formulated to reward those who achieve targets. Ab jisne bhi apna target ko achieve kar liya, aap usko reward de sakte ho, hai na? बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के प्लान्स जो है चलाए जाते हैं फॉर द एम्प्लॉइज, बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, बेस्ट एम्प्लॉई ऑफ द ईयर, ये एक तरीके से रिवॉर्ड दिया जाता है उनको, चाहे वो कैश प्राइज हो या फिर बाई प्रमोटिंग देम इन अ हायर पोजीशन। ये कुछ चीजें होती हैं जिसके कारण से ये सारी चीजें हो पाती हैं, और ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल तभी हो पाती हैं जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हो, राइट? It increases efficiency, productivity and morale of the employees. तो standard costing जो होता है वो एक तरीके से employees का जो efficiency है उनको increase करता है, productivity को increase करता है, और साथ ही साथ employees के morale को भी increase करता है, जिसके कारण से वो साथ में मिल करके collective effort लगा करके अपने targets को achieve करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैंने आपको अच्छे तरीके से एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाओगे तो फिर आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगी, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।